ॐ परमात्मने नमः अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्याग सहृषि चरषी केश श्री श्रीभगवाच काम्याणस कवयो विदु सर्वर्मफल्यागम प्राहुस्त्यागौं विचक्षण त्याज दोष वेक प्राहुर्मनीषिण यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् कर्ममेव तत् यज्ञो दानन्तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्

कायक्लेशभयात्यजे सकृत्वा राजसंत्यागम नैव त्याग फलल्लभे कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्वमसा त्यागी सत्वसमाविष्टः सत्सम मेधावी छिन्न संशय नि देहृता शक्य नहि देहृता शक्य त्यक्तुं कर्मण्यशेष यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीय त्या अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं गिना प्रेत्य नो सन्यासीना क्वचि पंचईता महाबाहोणाध मे सांख्येता प्रोक्तानि सिद्धये ये अधिष्ठानं तथा कर्णं पृथ्वी विविधाश्च पृथक्चे

न सपश्यति दुर्मति ही यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधं कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छुनु तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानो विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानो विद्धिराजसं यत्तु कस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अथत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं, नियतं नियतं रागद्वेषतः कृतम अपलप्रेपसुना कर्म यत्ता यत् तत् यत सात्विकमुच्यते यत् तु कामेषुना कर्म साहंकारेण वापुनह क्रियते बहुलायासम् तदराजसमुदाहितं अनुबन्धं क्षयं हिंसां अनपेक्षच पौरुषं मोहादारभ्यते कर्मा ता तामसमुच्यते मुक्त संगो नहं वादी धृृत्यत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकरा सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सु दुद्धो हिंसात्मको शुचिहि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परकीर्तितः अयुक्तः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः षठो नैष्कृतिलोकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्चयते बुद्धेर्भेदन्तृतेश्चैव पुनतस्त्रिवधं श्रुणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिवृत्ति कार्ये भया भक्ष वेत्ती बुद्धि सात्विकी यया धर्मम धर्मच कार्यमे चयथावत्जाती पार्थ राजसी अधम धर्मीति मेरे तमसावृता

तित्सा पार्थ राजसी यया स्वप्नम भयम् शोकम् विषादम् मदमेवच नविं नविमु, नविमुन्यति दुर्मेधाः तित्सा पार्थ तामसी सुखं द्विदानीं त्रिविधं श्रुणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं जगत् निगच्छति यद्रे विषमिव परिणामे मृतोपम तत्सुखम सात्विक प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादज विषयेन्द्रिय संयोगा यदग्रे तम यद्रे मृतोपम परिणामे यदग्रे चाबंधे सुखं मोहनात्मनः निद्रादस्य प्रमादोत्थं तत् तामसमुदाहितं नतदस्ति पृथ्वीवा दिविदेवेषु वा पुणः सत्वं प्रकृतिजये मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिः गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव क्षमो दौचं क्षातिरार्जवे ज्ञान विज्ञान्यम कर्म स्वभाज शौर्य युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भाव क्षात्र कर्मस्वज कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाज परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से स्वभाज स्वे स्वे कर्मण्यरत संसिधि लभते नर स्वर्म निरत सिद्धि यथावंदती तुणु त्येव भू यत प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदंततम् स्वकर्मणातमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म पूर्वन्नाप्नोति किलविषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र चितात्मा नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो तत् यथा तथाप्नोति निबोध समासेनैव कौन्तेय निष्ठाज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानम् नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो वैराग्यम सश्रिता अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम पिग्रह विमुच्य निर्म शांत भूयाय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्ना शोचती न कांक्षति सर्व भूतेषु लभते परा भक्त मिजाती

कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् नोष्यसी विनसी यदंकार आश्रि नोत्स्य मे मिथ्यवसास्ते प्रकृतिस्ताक्षति स्वभाजे स्वभावन कौंतेय निबस्वण कर्त यन्मोहात् यमोहा व

सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यै तद् तद् विमृश्यैतदशेषेण विम्रुश, यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमौ वचः इष्टोसि मे ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मान् नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसिमे मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामे कौं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि माशुचः इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुशुश्रवे वाच्यम न चा सूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः भुवि अध्यस्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः प्राप्नुयात्पुण्यकर्मण कच्चिदेतत्सुत पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् परम् एतद्रुह्यमहं परम् योगं योगश्व योगम योगेश्वरा कृष्णा साक्षात्थयत स्वयं राजन संस्मृत संस्मृत संवाद मिमुत केशवाजुन यो पुण्यम हृष्या च मुहुर्मुहु तच्च संस्मृत संस्मृत रूपमत्यद्भुतम् हरे विस्मयो मे महान राजन